हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स मेक। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल पुलाव। ये बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। सबसे पहले मैंने एक प्याज को लंबा लंबा काट लिया है और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। प्याज को अच्छे से फ्राई कर ले जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए प्याज फ्राई हो चुकी है, तो प्याज को अच्छे से निकाल लें और प्याज को अच्छे से फैला दें टिश्यू पेपर में। अब मैंने ये दो आलू ले लिए हैं, आलू को मैंने अच्छे से काट लिया है और अब इसको मैं फ्राई कर दूंगी। आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आए इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ये देखिए आलू भी अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने ये थोड़ी सी सोयाबीन ली है, सोयाबीन को मैंने अच्छे से गर्म पानी में उबाल लिया था और फिर इसके बाद इसका पानी निकाल दिया था। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। सोयाबीन भी अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं इसको भी निकाल ले रही हूँ। अब मैं कुकर में थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, मैं वही वाला तेल यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें एक चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 7-8 इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, 9-10 मैंने लौंग ले ली है, 2 दालचीनी की डंडी डाल रही हूँ और 3-4 आप इसमें तेजपत्ता डाल दीजिए। सभी खड़े मसालों को अच्छे से फ्राई कर लें। अब इसमें मैं 2 प्याज डाल रही हूँ, प्याज को मैंने अच्छे से पीस लिया है, आप चाहे तो प्याज को काट के भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ। मसाले को अच्छे से भूंज लें, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें और मसाले को अच्छे से भूंज लें जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। और ये देखिए मसाला अब अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसमें से तेल भी निकलने लगा है। तो अब इसमें मैं मटर डाल रही हूँ और गाजर डाल रही हूँ, आपको जो सब्जी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखिए सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो अब इसमें मैं आलू और सोयाबीन डाल रही हूँ जो मैंने फ्राई करके रखा था। 2 टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ, टमाटर को मैंने अच्छे से पीस लिया था, आप चाहे तो टमाटर काट के भी डाल सकते हैं। टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लें और ये देखिए टमाटर अब अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं 1 ग्लास चावल डाल रही हूँ, चावल को मैंने अच्छे से धो लिया था और 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। इसमें अब 1 चम्मच गरम मसाला डाल दें और गरम मसाले को अच्छे से मिला दें। इस स्टेज में आप चाहें तो नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अब इसको ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा वरना चावल टूट जाएंगे। अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, धनिया को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब कुकर का ढक्कन बंद कर दें और 2 सीटी होने दें। 2 सीटी हो चुकी है और ये देखिए पुलाव भी अब रेडी है। और ये देखिए कितना खिला खिला चावल बना है और कितना अच्छा दिख रहा है। अब पुलाव को फ्राई ऑनियन से गार्निश कर दीजिए और गरम गरम सर्व कीजिए। और ये देखिए कितनी जल्दी ये पुलाव रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।